दोस्तों यहाँ पे हम Amazon FBA का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, यानी कि अपना जो गुड्स होता है Amazon के वेयर हाउस में पड़ा रहेगा एंड कोई भी ऑर्डर आएगा तो वहाँ से प्रोडक्ट को शिप करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट तो हम वहाँ से शिप करवा देंगे पर वहाँ से रिटर्न भी आ सकता है, कस्टमर ने प्रोडक्ट रिटर्न करवा दिया, कस्टमर ने प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो सब रिटर्न आएंगे सर। तो रिटर्न जो आएगा उसमें मे बी पॉसिबल है कुछ प्रोडक्ट अच्छी भी हो सकती है, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर टूट भी सकती है, तो उसका हमको यहाँ पर रिइंबर्समेंट का कैसे देखना होता है। अब कोई प्रोडक्ट जो टूटी हुई है उसका हमको रिइंबर्समेंट मिला या तो नहीं मिला वो कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, राइट, पूरा डेटा कहाँ से हमको स्टडी करना होता है पूरे डिटेल के अंदर समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं ई कॉमर्स सेलर हूँ। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों यहाँ पे तो सबसे पहले अपने FBA के अंदर रिटर्न का पूरा प्रोसेस समझते हैं कि FBA के अंदर रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर का ऑर्डर आता है, FBA के वेयरहाउस से प्रोडक्ट डिस्पैच होती है, सपोज मतलब कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर होगी। अब कस्टमर का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो कस्टमर क्या करवाएगा, प्रोडक्ट को यहाँ पे रिटर्न करवा देगा। अब प्रोडक्ट रिटर्न करवाएगा तो एज अ सेलर हमारे पास नहीं आएगा, जो भी वेयरहाउस है या तो उसका जो नियर बाय वेयरहाउस होता है वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट यहाँ पे लाइक रिटर्न आ जाएगी। प्रोडक्ट जैसे ही रिटर्न आती है तो देख एफ सी की जो टीम होती है, फुलफिलिंग सेंटर की जो टीम होती है, वो यहाँ पे पूरा चेक करेगी प्रोडक्ट भाई अच्छी है, उसको वापस से दोबारा सेल कर सकते हैं, दोबारा सेल नहीं कर सकते, वो पूरा यहाँ पे चेक करेगी। अगर प्रोडक्ट अच्छी कंडीशन में रहेगी तो उसको सेलेबल में डाल देगी, अगर अच्छी कंडीशन में नहीं रहेगी तो उसको अनफुलेबल में डाल देगी, राइट। वो अनफुलेबल जो प्रोडक्ट होते हैं वो सर प्रोडक्ट को हम यहाँ पे रिटर्न ला वापस मंगवा सकते हैं। यहाँ पे जो सेफ्टी क्लेम जो ईजी सी के अंदर क्या होता है, हमें सेफ्टी क्लेम फाइल करना होता है, बट FBA के अंदर क्या होता है, अगर प्रोडक्ट टूटी हुई आती है तो Amazon FBA की जो टीम होती है वही यहाँ पे सेफ्टी क्लेम है, तो उसका जो भी प्रोसेस होता है यहाँ पे क्लेम फाइल करना हो गया, रिइंबर्समेंट के लिए जो प्रोसेस होता है वो FBA की जो टीम होती है वही सारा देख लेती है। जो प्रोडक्ट होती है वो सब प्रोडक्ट हम वापस मंगवा लेते हैं, राइट। वो प्रोडक्ट हमने वापस मंगवा लिया, अब हम कैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है उसका हमको यहाँ पे रिइंबर्समेंट मिला हुआ है या तो नहीं मिला हुआ। सो ये पूरा जो डिटेल होता है उसको अपने यहाँ पे जो अपने Amazon का सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है उसके अंदर जाके देख सकते हैं। प्रो डिटेल देखें, उससे पहले आपको हाउ टू सेट ई कॉमर्स बिजनेस मेरा जो पूरा वीडियो सीरीज है आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड प्लस मेरे यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। अभी वीडियो के अंदर अपने आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कैसे अपने क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पे चले जाएंगे, Amazon का जो सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है उसमें चले जाएंगे, तीन डॉट होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे रिपोर्ट पे, किसमें जाएंगे हम रिपोर्ट में, रिपोर्ट के अंदर कौन सा रिपोर्ट देखना है, फुलफिलमेंट का, राइट। यहाँ पे फुलफिलमेंट का हमको यहाँ पे पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब जितना भी Amazon FBA कर रहे हैं उसका जितना भी रिपोर्ट हमको देखना है वो सारा के सारा रिपोर्ट हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, अंडर द फुलफिलमेंट, राइट। यहाँ पे हमको देखो साइड में देख पा रहे हो, इन्वेंट्री का हो गया, सेल्स का हो गया, पेमेंट का हो गया, कस्टमर कंसेशन का हो गया, रिमूवल्स का हो गया, सारे के सारे रिपोर्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट कैसे रिटर्न आता है। तो इसी तरह का कोई भी मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट होता है बॉक्स के अंदर आ सकता है, पन्नी के अंदर आ सकता है, जैसे भी होता है आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सपोज मतलब एसी का रिमोट डाल दिया है, कि सपोज मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट आप सेल कर रहे थे, Amazon ने कोई कस्टमर ने प्रॉपर्स मंगवा लेकर रिटर्न करवा दिया, अब सेलेबल नहीं था उसके अनफुलेबल में डाल दिया और प्रोडक्ट आपने क्या किया वापस मंगवा दिया, तो आपके पास प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। अब ये कौन सी प्रोडक्ट आपको कैसे पता चलेगा, मतलब कौन से ऑर्डर आईडी की प्रोडक्ट है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर आईडी तो लिखा हुआ होता नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज लिखी होती है, क्या होता है, LPN नंबर होता है। यहाँ पे ऊपर शर्ट देखो, यहाँ पे जो स्टिकर लगाया हुआ यहाँ पे क्या होता है, एक LPN नंबर होता है, राइट। तो यहाँ पे कहाँ पे जाके देख ला, हम जाके देख सकते हैं सीधा, यहाँ पे रिइंबर्समेंट का ऑप्शन आता है अंडर द पेमेंट, पेमेंट के अंदर हमको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हमको रिइंबर्समेंट का ऑप्शन मिलेगा। रिइंबर्समेंट पे अपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी जगह पे LPN आईडी एंटर करने का ऑप्शन है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर तो ऑर्डर आईडी हम कहाँ से फाइंड करें, राइट। तो उसका भी यहाँ पे जुगाड़ है, जुगाड़ क्या, उसका लाइक सिस्टम ही अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे चले जाएंगे, नीचे की साइड पे अपने क्लिक लाइक थोड़ा स्क्रॉलिंग करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है, कस्टमर कंसेशन का जो यहाँ पे ऑप्शन है उसके अंदर हम किस में चले जाएंगे, FBA कस्टमर रिटर्न, राइट। FBA कस्टमर जो रिटर्न होता है उस पर क्लिक कर देंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कौन सा, LPN आईडी एंटर करने का। तो यहाँ पे जो LPN आईडी लिखा होता है वो सारा का पूरा LPN आईडी आप एंटर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ LPN DEX8, यानी कि कौन से वेयरहाउस का रिटर्न है वो हमको पता चल जाएगा। DEX8 लिखा है उसका मतलब क्या हुआ, दिल्ली का जो मेरा वेयरहाउस है वहाँ से प्रोडक्ट को मैंने रिटर्न मंगवाया हुआ है। एंड आगे साइड पे और भी यहाँ पे कुछ डिजिट लिखे होते हैं वो सबको हम यहाँ पे LPN आईडी के अंदर में एंटर कर देंगे, उसके बाद जैसे जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग सारी के सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे देखो Amazon ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से हमको ऑर्डर आईडी मिल जाएगा। मर्चेंट SKU कौन सी प्रोडक्ट थी, ASN मिल जाएगा, FNSQ मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा, लाइक क्वालिटी मिल जाएगा, FC कौन से फुलफिलमेंट सेंटर से वापस आई वो आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, कस्टमर रिटर्न लाइक रीजन कौन सा रीजन था वो भी सब चीज़ हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। हमको सिर्फ यहाँ से कौन सी चीज़ उठानी है
ऑर्डर आईडी, अमेजोन का जो ऑर्डर आईडी होता है नीचे की साइड पे यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा, उसको हम क्या कर लेंगे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सिंपली कॉपी करने के बाद हम कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे जो पहले हमने देखा था कौन सा देखा था, पेमेंट का, राइट। पेमेंट के अंदर कौन सा ऑप्शन, रिम्बर्समेंट पर, उस पर क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पे ऑर्डर आईडी का ऑप्शन है, अमेजन ऑर्डर आईडी, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे अमेजन का जो ऑर्डर आईडी होता है उसको अपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपको ये पेस्ट नहीं करना, जो ऑर्डर आईडी होता है वही पेस्ट करना है। ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद जैसे आप जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। देखो डेट आपको मिल जाएगा, अगर रिम्बर्समेंट मिला है तो रिम्बर्समेंट आईडी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सपोज मान लो आपको कोई डिटेल देखने को नहीं मिलता, आपने क्या कर दिया यहाँ पे ऑर्डर आईडी को लेकर एंटर किया, यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक किया, आपको कोई भी डिटेल देखने को नहीं मिलता, उसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर आईडी है उसका आपको यहाँ पे रिम्बर्समेंट नहीं मिला। एंड यहाँ पे आपको लाइक डिटेल देखने को मिलता है तो आपको रिम्बर्समेंट मिल गया होगा। अब कितनी अमाउंट मिला है वो भी यहाँ पे लिख कर आ जाएगा। देखो अमाउंट पर यूनिट, राइट, अमाउंट, टोटल अमाउंट और अमाउंट पर यूनिट यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितनी अमाउंट आप यहाँ पे आपको लाइक कितना रुपीज आपको यहाँ पे रिम्बर्समेंट मिला है वो भी चीज आपको यहाँ पे दिखा देगा। अभी सपोज मान लो कि ये प्रोडक्ट थी, अब इसका मुझे क्या हुआ रिम्बर्समेंट भी नहीं मिला एंड प्रोडक्ट भी मेरी टूटी हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रिम्बर्समेंट चाहिएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर सेफ्टी क्लेम फाइल किया था इसी तरह यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, केस क्रिएट करना पड़ेगा। अब केस कैसे क्रिएट करना है वो तो आपको पता ही होगा। हेल्प के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन ऊपर की साइड ऑप्शन होता है हमारे पास, हेल्प का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे हम चले जाएंगे। उसके बाद नीड मोर हेल्प पे चले जाएंगे, गेट सपोर्ट पे, सेलिंग ऑन अमेजोन, यहाँ पे जो भी अपना इश्यू है ऑर्डर आईडी मेंशन कर देंगे, सब चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पे हमको कम से कम 4 से 5 इमेज सबमिट करने पड़ेंगे। आप बोलोगे 4 से 5 इमेज कौन से भाई, तो एक से सबसे पहले 2 इमेज तो कौन सा हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, प्रोडक्ट हमारे पास टूटी हुई है उसका हम फोटो स्पार्क लग के यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद एक इमेज हो गया यहाँ पे जो एलपीएन आईडी लिखा है उसका एक फोटो हो गया, इसका क्लिक करके डालेंगे। इसके अलावा हमको जो और डिटेल हमको चाहिए कि वो हो गया रिमूवल आईडी, कि कौन से अंदर ऑर्डर आईडी के अंदर हमने वो प्रोडक्ट को वापस मंगवाया था, रिमूवल आईडी। तो हमारे पास जो बड़ा बॉक्स आया होगा, क्योंकि इस पे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं किसको डिलीवर करना, इस टाइप का कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या अलग एक बड़ा सा पार्सल होता है, उसके अंदर ये सब प्रोडक्ट आती है। तो बड़ा सा जो पार्सल होता है उसके ऊपर सारी लगे भाई शिपिंग लेबल अपना जो होता है उसी टाइप का यहाँ पे लेबल होता है, उसका फोटो 1 से 2 फोटो, यहाँ पे 2 लेबल अलग अलग होते हैं, तो दोनों लेबल का आपको फोटो खींच लेना है। तो 2 लेबल के फोटो हो गए, एक यहाँ पे जो एलपीएन आईडी होता है उसका फोटो हो गया, इन 2 फोटो यहाँ पे प्रोडक्ट के हो गए। तो 4 से 5 फोटो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अमेजन को सबमिट कर दोगे तो अमेजन की जो टीम होगी वो यहाँ पे पूरा चेक करेगी, अगर उसको सारी चीज सही लगेगी तो आपको ये प्रोडक्ट जो होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसका आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। सो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था कि एफबीए के जो रिमूवल होते हैं उसको अपने यहाँ पे कैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को नहीं पता होता, इवन मेरी बात करो तो एकदम स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि एफबीए के जो रिमूवल होते हैं, रिटर्न जो होते हैं, उसको अपने कैसे यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उसका हमको रिम्बर्समेंट मिला या तो नहीं मिला, नहीं मिला तो हम कैसे उसका फाइल कर सकते हैं, मुझे भी स्टार्टिंग को पता नहीं था। बट बहुत ही जल्दी मैंने पूरा सीख लिया, एंड यहाँ पे मैं भी ऐसी चीज को फॉलो करता हूँ, मेरी टीम को मैंने सिखा दिया। तो जैसे ही कोई एफबीए का रिमूवल आता है उसको पूरा यहाँ पे एलपीएन आईडी डाल के पूरा चेक करके देख लेते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट होती है जो टूटी हुई होती है प्लस उसका रिम्बर्समेंट नहीं मिला तो तुरंत यहाँ पे केस सबमिट कर देते हैं, तो हमको कुछ ही देर 1 से 2 दिन के अंदर उसका पूरा रिप्लाई मिल जाता है। और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहे तो किस केस के अंदर वो रिप्लाई करते हैं अमेज़न की टीम, तो यहाँ से हमारी साइड से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम यहाँ पे रिप्लाई कर देते हैं, तो हमको यहाँ पे रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस मेरा जो पूरा प्लेलिस्ट है आप देख सकते हो।